After the discussion of legal aspect of drug store management, today we will discuss about the purchasing. In this topic, we will discuss about the objectives and importance of purchasing. In this topic, we will discuss, first of all, purchasing. What do you understand by purchasing? अब हम परचेजिंग की बात करें तो परचेजिंग में क्या होता है, जो परचेजिंग क्या है, एक मटेरियल मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. तो हम कह सकते हैं कि परचेजिंग इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मटेरियल मैनेजमेंट का. इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मटेरियल मैनेजमेंट का. जो प्रॉपर जो परचेजिंग है, ठीक है, मटेरियल की जो प्रॉपर तरह से परचेजिंग हो या फिर उसका कंट्रोल, स्टॉक को कंट्रोल करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपरली हम मटेरियल को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और जो स्टॉक है उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ये कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ट्रेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर ट्रेड हो, चाहे वो होलसेल ट्रेड हो, ठीक है, कोई भी ट्रेड है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है. तो इसमें क्या है, जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसकी बात करें, ट्रेडिंग बिजनेस की, तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर अगर हम कभी भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि वो क्या होती है, उसकी क्वालिटी प्रॉपर हो, क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी, ठीक है, और उसमें देखते हैं उसकी क्वांटिटी प्रॉपर क्वांटिटी में हो, वो क्वांटिटी, ठीक है, और उसकी अप्रोप्रिएट प्राइस हो, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो, ठीक है, अप्रोप्रिएट प्राइस, ठीक है. और क्या हम देखते हैं इसमें कि वो प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हो, अवेलेबल एट प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हो. तो ये चीजें हम जब भी कोई परचेजिंग, परचेजिंग मीन्स खरीद करनी किसी भी चीज की, तो उसमें जो परचेजिंग है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है मटेरियल मैनेजमेंट का. अब मटेरियल मैनेजमेंट में कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड हो, ठीक है, होलसेल ट्रेड हो या रिटेलिंग ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी बिजनेस हो, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जो परचेजिंग है मटेरियल की, ठीक है, प्रॉपर परचेजिंग होनी चाहिए मटेरियल की और उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए स्टॉक के ऊपर, तभी हम आगे अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रॉपर क्वालिटी, ठीक है, और प्रॉपर क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए और अप्रोप्रिएट उसकी रीजनेबल प्राइस पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, और जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो जब हमें उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तब वो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो. अब इसकी बात करते हैं इन द परचेजिंग, हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ परचेजिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है, परचेजिंग की ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस की बात करें, तो जो परचेजिंग है किसी भी चीज की, कोई खरीद है, खरीदारी करनी है, तो वो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो उसका रॉ मटेरियल परचेज किया है वो ही हमें लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल हो. उसका मेन मोटिव ये भी है कि जो रॉ मटेरियल को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी प्राइस भी रिड्यूस्ड हो, रीजनेबल हो. ऐसा ना हो कि हमने रॉ मटेरियल तो लोएस्ट प्राइस पे परचेज किया लेकिन जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई. तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, परचेजिंग इस वे में होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक उसकी रीजनेबल प्राइस हो, और या फिर उसकी प्राइस को रिड्यूस करें, ऐसा ना हो कि उसकी प्राइस को एनहांस कर दे, ठीक है. ये हो गई. अब हम बात करें कुछ पॉइंट्स की, ठीक है,
ठीक है, जब हम परचेजिंग करते हैं मटेरियल की, तो हम क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट्स हैं अपने कंसिडरेशन में रखते हैं कि किस तरह की परचेजिंग करनी है, किस तरह से किस तरह का प्रोडक्ट लेना है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो पॉइंट्स है जो हम कंसीडर करते हैं वो है, फर्स्ट वन इज राइट सोर्स, राइट सोर्स। हमें परचेजिंग करनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रॉम वेयर यू हैव टू परचेज दैट प्रोडक्ट, आपने कहां से वो प्रोडक्ट परचेज करनी है और कौन आपको, ये डिपेंड करता है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन आपको उतना प्रोडक्ट अवेलेबल पर करवा सकता है। ठीक है, प्रॉपर सोर्स, अच्छी क्वालिटी में, प्रॉपर टाइम के साथ, ठीक है, राइट टाइम के साथ, राइट प्राइस के साथ। तो इसमें एक तरह से राइट सोर्स मतलब कि ये डिपेंड करता है, आपको सप्लायर का सिलेक्शन करना है, आपको वो सप्लायर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, उस क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्लस उस टाइम पे अवेलेबल करवा देगा जब तक आप, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो राइट सोर्स का होना बहुत जरूरी है कि आपने सप्लायर, इसमें सप्लायर आ जाएगा कि किस तरह का सप्लायर होना चाहिए जो कि आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी का। ठीक है, ये पॉइंट हम देखते हैं। उसके बाद राइट क्वालिटी, राइट क्वालिटी, राइट क्वालिटी की बात करें, जब भी हम परचेजिंग करते हैं, किसी भी चीज को परचेज करते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं, उससे पहले हम उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह की क्वालिटी है, डिटरमिनेशन ऑफ क्वालिटी। उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं कि ये इसकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हम जनरली वैसे भी मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए कुछ भी, तो हम उसका मटेरियल चेक करते हैं किस तरह का मटेरियल है, कैसी क्वालिटी है, उसको वेरीफाई करने के बाद हम फिर उसको परचेज करते हैं। वैसे ही बिजनेस में पहले डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, किस तरह की क्वालिटी है, देन वेरीफाई किया जाता है। अगर वेरिफिकेशन में वो सेटिस्फैक्ट्री होता है तो उसको क्या किया जाता है, देन उस सप्लायर को वो उस प्रोडक्ट की ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया राइट क्वालिटी। अब आ गया राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हमें जो भी परचेज करना है प्रोडक्ट, तो उसकी क्वांटिटी भी राइट होनी चाहिए। राइट क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है, सब चीजें कंसीडर की जाती है, प्राइस स्ट्रक्चर देखा जाता है, भी किस तरह का प्राइस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम परचेज करने गए, कोई वेजिटेबल परचेज करने गए, या फिर वेजिटेबल या फिर कोई भी फ्रूट परचेज करने गए, अगर कोई फ्रूट, ठीक है, लोएस्ट प्राइस में होता है तो हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर कोई फ्रूट, हम एप्पल की बात कर ले फॉर एग्जांपल, जनरल सा एग्जांपल दे रही हूँ, एप्पल अगर मान लो हमें 40 रुपीज केजी मिल रहा है, ठीक है, और एक जगह पे 80 रुपीज, तो 40 रुपीज केजी वाला हम 2 केजी ले लेंगे, उसकी अमाउंट बढ़ जाए, उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे। लेकिन अगर 80 रुपीज वाला, तो हम कहेंगे चलो 1 केजी ले लेंगे। ठीक है, तो राइट क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कितना डिस्काउंट है, ठीक है, और अवेलेबिलिटी कैसी है उस प्रोडक्ट की, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है भी हम क्वांटिटी कैसे उससे ऑर्डर में मंगवा सकते हैं। अबाउट द डिस्काउंट, जब डिस्काउंट होता है तो उसमें हम क्वांटिटी को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और उसका प्राइस स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइस स्ट्रक्चर अगर लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल होता है तो भी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और उसमें अवेलेबिलिटी कैसी है, कि उतना प्रोडक्ट अवेलेबल है भी या नहीं, ये होती है राइट क्वांटिटी। इसको भी कंसीडर करते हैं व्हाइल परचेजिंग, एनी टाइप ऑफ परचेजिंग इन द बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राइट प्राइस, राइट प्राइस। अब हम राइट प्राइस की बात करें तो इसमें क्या होता है, राइट प्राइस में भी कॉस्ट, इसमें कॉस्ट देखी जाती है प्रोडक्ट की, जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसकी प्राइस
जेन्युइन होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने देखना है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सही है कि नहीं है, तो हम कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे? कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट से हम उसकी राइट प्राइस, सही प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल है, इसमें इतना रॉ मटेरियल यूज हुआ, इसके प्रोसेसिंग के बाद इसमें इतना एड अप कर लिया, तो इसकी प्राइस कितनी बनती है, ठीक है। जैसे मान लो इसका रॉ मटेरियल में इतनी अमाउंट लगी, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद ये इतना इसकी मान लो एक्स रुपीज़ का ये इसकी प्राइस हो गई। अगर मान लो वो उससे ज़्यादा क्रॉस कर रहा है तो हम उसको ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो हम राइट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बनने तक, ठीक है, कितना का खर्चा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट है उसकी राइट प्राइस हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग हम परचेजिंग करते हैं। प्राइस सही है, अप्रोप्रिएट है, रीजनेबल है, तब हम उसकी परचेजिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राइट प्लेस ऑफ राइट टाइम। राइट प्राइस हो गया, राइट टाइम की बात करें तो इसमें जो भी है हमें प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट कब चाहिए होगा? जब हमें लग रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो नियर अबाउट फिनिश होने वाला है, ठीक है, अब हमने ऑर्डर देना है, तो लीड टाइम में वो प्रोडक्ट आपको सप्लायर प्रोवाइड कर सके, इस तरह के सप्लायर को ही आप ऑर्डर दोगे, ठीक है। और लीड टाइम की बात करें तो लीड टाइम क्या होता है? इट इज़ अ टोटल टाइम कंज्यूम्ड, ठीक है, व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड टू द एक्चुअल, ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया है उसके बाद वो रिसीव होता है टू द एक्चुअल यूजर के पास, उस टाइम को कहते हैं लीड टाइम, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है राइट टाइम क्या होता है, लीड टाइम पे आपको जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए, तो राइट टाइम, ठीक है, इस तरह का सप्लायर आप सिलेक्ट करोगे जिससे आप परचेज कर सको राइट टाइम पे। और लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम इज द टोटल टाइम कंज्यूम्ड बिटवीन द रिकग्नाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ द आइटम। टोटल टाइम कंज्यूम्ड बिटवीन द नीड ऑफ द रिकग्नाइजेशन ऑफ आइटम टिल द प्रोडक्ट एक्चुअली अराइव्स एंड इट प्रोवाइडेड फॉर अस, दैट टाइम इज कॉल्ड लीड टाइम, उसको लीड टाइम कहते हैं। उसके बाद राइट टाइम के बाद राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, राइट प्लेस ऑफ राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है वो सही जगह पे डिलीवर हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो बिजनेस प्रीमिसेस है वहाँ पे बड़ी ही कन्वीनियंट वे से वो उसको प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके, ठीक है, जो बिजनेस प्रीमिसेस है वहाँ पे डिलीवर करना, यानी राइट प्लेस पे डिलीवर करना। उसके बाद राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? अब ट्रांसपोर्टेशन जो भी प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? किसी भी जो सप्लायर से एक जो परचेजर है या बायर है उसके पास कैसे पहुंचेगा? बाय एयरवेज, रोडवेज, बाय रेलवेज, अलग अलग, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, कितना उसका ऑर्डर है, और ये कौन डिसाइड करता है? सप्लायर, सप्लाई करने वाला और परचेजर, जिसने परचेज किया है, उनके आपस में ये डिसीजन होता है कि ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू वो प्रोडक्ट बिजनेस प्रीमिसेस पे या फिर जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे किसके थ्रू पहुँचाया जाएगा और कौन सा वे यूज किया जाएगा, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है भी कितनी क्वान्टिटी में है और किस तरह का प्रोडक्ट है, कैसे उसको और डिस्टेंस कितना है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोई भी प्रोडक्ट है क्वांटिटी थोड़ी है, ठीक है, तो बाय रोड में से भेजा जा सकता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है या बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड किया जाता है और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो सप्लायर और परचेजर के बीच में होता है,
तो ये देर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू बी कंसीडर्ड बाय परचेजिंग एनी मटेरियल फॉर द बिजनेस. बिजनेस के लिए आप कोई भी मटेरियल परचेज करते हैं तो ये पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया कि कुछ पॉइंट हमने कंसीडर की कि राइट सोर्स कहाँ से आपने परचेज करना है, किस तरह का सप्लायर होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में आपने वो जो प्रोडक्ट है वो कितनी क्वांटिटी में आपने वो कितनी क्वांटिटी में आपने परचेज करना है, बाय करना है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है क्वांटिटी, और उसके बाद राइट प्राइस, उसकी प्राइस भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ये भी डिपेंड करता है कितना डिस्काउंट है, ठीक है, कैसे अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए. अब हम बात करते हैं परचेजिंग प्रोसीजर की. ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इम्पोर्टेंस हो गई अबाउट परचेजिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परचेजिंग प्रोसीजर. परचेजिंग प्रोसीजर क्या होता है? अब आप सोचोगे कि कोई चीज परचेज करनी है, खरीदनी है, उसका क्या प्रोसीजर होगा? आप जनरली मार्केट जाते हो तो आप क्या करते हो, या तो कोई लिस्ट बना के ले जाते हो, उसमें भी ये होता है ना कि हमें ये सामान लाना है, हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, उस लिस्ट में सारा सामान लिख लिया, फिर आप जाते हो, आप कहते हैं पहले आप, फिर वो आपको एक जनरल सा आइडिया बना लेते हो कि पहले हम ऐसा करते हैं, वहाँ से ये गारमेंट की शॉप पे चले जाते हैं, फिर उधर से मेडिसिन लेके आनी है, फिर हम मेडिसिन लेते लेते हम अपनी ग्रोसरी प्रोडक्ट ले आएंगे, फिर वहाँ से घर आएंगे, और डॉक्टर के पास भी जाना है, वहाँ भी जाएंगे, ठीक है, तो एक आइडिया बना लेते हो आप कि इस वे से हम ये सब करेंगे. तो ये क्या है? परचेजिंग प्रोसीजर है, यानी किस तरह से सीक्वेंस वे में, किस तरह से एक सीक्वेंस है, एक स्टेप वाइज सिस्टमैटिक वे से आप परचेजिंग जो भी है खरीदारी करते हैं, तो उसका एक जनरल आइडिया बना लेते हैं. ये तो एक छोटा एग्जांपल हो गया. वैसे ही बिजनेस में जब आपने कुछ भी किसी चीज का स्टॉक खरीदना है तो उसका भी परचेजिंग प्रोसीजर होता है. ये कब होता है? अगर आपने थोड़ी स्मॉल अमाउंट में कुछ भी परचेजिंग करनी है तब आप ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं, इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब आपने कोई चीज़ बल्क में खरीदनी है तब आप उसके लिए अलग अलग सप्लायर से मिलते हैं, ठीक है, फिर आप देखते हैं कि कंपेयर करते हैं किसका जो रेट है, किसका जो प्राइस है सूटेबल है, किस तरह का प्रोडक्ट दे रहा है, किस तरह की क्वालिटी है उसके प्रोडक्ट की, ठीक है, फिर उसके बाद उसको रिसीव करने के बाद उसको चेक भी करते हो, चेक करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आप उसको कहते हो कि ये चेंज कर दो, चेंज करने के लिए वो आपसे बिल मांगता है, कन्फर्म करता है, फिर आपको दोबारा से वो प्रोडक्ट रिसीव होता है. इस तरह का प्रोसीजर होता है ना जनरली. लेकिन हम जब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी अलग अलग स्टेप्स आ जाते हैं, अलग अलग सीक्वेंस आ जाती है, ठीक है, तो हम बात करें परचेजिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच द परचेज ट्रांजेक्शन इज कैरिड थ्रू, ठीक है, ये किस तरह से फर्दर सप्लाई होती है. अगर इसमें स्टेप्स की बात करें तो इसमें 7 स्टेप्स आ जाते हैं. इसमें आता है सीक्वेंस. Sequence of steps carried for जो sequence of steps है किसके लिए carried किए जाते हैं? For purchase transaction. ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें 7 steps आ जाते हैं. सबसे पहला स्टेप आ गया परचेज रेक्विसिटेशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज परचेज रेक्विसिटेशन. उसके बाद देन सेकंड इज, फिर क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स. ठीक है, थर्ड स्टेप इज प्लेसिंग द ऑर्डर.
ऑर्डर, ठीक है, दिस इज योर थर्ड स्टेप. उसके बाद रिसीविंग एंड चेकिंग ऑफ मटेरियल, रिसीविंग एंड चेकिंग ऑफ मटेरियल, दिस इज योर फोर्थ स्टेप. रिसीविंग हो गई और चेकिंग हो गई, देन चेकिंग ऑफ इनवॉइस और बिल, चेकिंग ऑफ इनवॉइस और बिल. आफ्टर द चेकिंग ऑफ इनवॉइस एंड बिल्स, नाउ सिक्स्थ पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस और बिल्स इन बुक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस और बिल्स इन बुक्स, जो रिकॉर्डिंग बुक्स होती है उसमें रिकॉर्ड करना. एंड द लास्ट स्टेप इज सेवन स्टेप, रिलीजिंग द पेमेंट, रिलीजिंग द पेमेंट टू द सप्लायर, दिस इज योर सेवन स्टेप. ठीक है, तो जो सीक्वेंस में, जो परचेजिंग प्रोसीजर में हमने आपसे एग्जांपल भी दिया, मैंने आपको जनरल एग्जांपल, इसमें परचेजिंग प्रोसीजर इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और सिस्टमैटिक वे में किस तरह से एक सप्लायर को ऑर्डर दिया जाता है वो प्रोसीजर आ जाता है. इसमें सेवन स्टेप्स आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज परचेज रिक्वेस्टेशन, सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, then after the selection of suppliers, then placing the order of the product which is required, jo chahiye product, and then after placing the order of the product, then receiving and checking of the material, receive ho gaya aur uske baad check hua material ko. उसके बाद आफ्टर चेकिंग द मटेरियल एंड रिसीवर, चेकिंग ऑफ इनवॉइस और बिल्स, उसके बिल्स और इनवॉइस को चेक किया जाता है. एंड देन सिक्स्थ स्टेप इज रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस बिल्स, जो इनवॉइस और बिल्स है उसको रिकॉर्ड किया जाता है. इसमें जो बुक्स है, रिकॉर्डिंग बुक्स है, ये काम कौन करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट में. आफ्टर द रिकॉर्डिंग देन सेवन स्टेप इज रिलीजिंग द पेमेंट टू द सप्लायर. ये तो जनरल हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि इस तरह से सेवन स्टेप्स हैं, उसके अंदर परचेजिंग प्रोसीजर कर सकते हैं जब भी कोई बिजनेस कैरी आउट करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड है, चाहे वो होलसेल ट्रेड है, या फिर वो रिटेल ट्रेड है. ठीक है, इन द केस ऑफ एनी बिजनेस, हम इसमें ड्रग स्टोर की बात करें, ये ड्रग स्टोर में भी अगर किसी ने परचेजिंग करनी है तो ये सेवन स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल स्कीमेटिक डायग्राम, यू कैन से दैट इट इज अ जनरल स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द परचेज प्रोसीजर. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इसका परचेजिंग जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि डिटेल में किस तरह से परचेज रजिस्ट्रेशन की जाती है, किस तरह से सप्लाई की जाती है, सप्लायर कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर कैसे उसको दिया जाता है, क्या कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर होते हैं किस बिजनेस में, क्या हर बिजनेस में लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, चेक कैसे करते हैं इनवॉइस को, कैसे वेरिफिकेशन की जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट की बिल्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कौन रिकॉर्ड करता है उसके लिए, किसकी ड्यूटी होती है, ठीक है, फिर उसके बाद कैसे उसको जो सप्लायर है उसको पेमेंट किस वे से दी जाती है. ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इस लेक्चर में आपका इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी करेंगे और उसके बाद हम करेंगे सिलेक्शन, जो सप्लायर है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, अभी तक आपका इतना ही है. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.